हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। तो आज का ये वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है सीक्वेंस और सीरीज के लिए। तो जिन स्टूडेंट्स को सीक्वेंस और सीरीज के बारे में बेसिक नॉलेज है, जैसे कि सीक्वेंस किसे बोलते हैं, सीरीज कैसे बोलते हैं, सीक्वेंस और सीरीज के कौन से टाइप्स आते हैं, सीक्वेंस सीरीज की कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी कैसे ढूंढ सकते हैं, अगर ये सारी बात पता है तो वो स्टूडेंट्स ये वीडियो को स्किप करके आगे के अपकमिंग वीडियो देख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को सीक्वेंस और सीरीज के बारे में कुछ भी नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। So I hope you are ready with your pen and paper. So without wasting much time, let us start this video. तो sequence series में सबसे पहले sequence का मतलब समझ लेते हैं। Sequence यानी क्या? सबसे पहले sequence को A से denote किया जाता है, ठीक है। अब sequence के अंदर A1, A2, A3, A4 up to AN तक elements होते हैं। यानी ये जो मैंने लिख के रखा है A1, A2, A3, ये सारे क्या है? Elements है। किसके? सीक्वेंस के एलिमेंट है। और सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? कॉमा करके रिप्रेजेंट किया जाता है। सीक्वेंस का नोटेशन क्या होता है? सीक्वेंस का नोटेशन ए होता है। एक एग्जांपल ले तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि यहां पे एक सीक्वेंस देके रखी है 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, पता नहीं। यहां पे दूसरी एक सीक्वेंस लिख के रखी है 1 4 9 16, आगे जाएगी है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे अगर ये फर्स्ट सीक्वेंस को देखेंगे तो इसके अंदर जो ये एलिमेंट्स है, ये वाले एलिमेंट्स है, वो एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज करके रखे हैं। प्रॉपर पैटर्न यानी क्या? ये आप देख सकते हो 1 3 5 7, ये क्या है? ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स यानी क्या? एक प्रॉपर पैटर्न है एलिमेंट्स का, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसके एलिमेंट देखोगे, ये सीक्वेंस के एलिमेंट देखोगे, तो क्या होगा? 1 है ये 4 यानी 2 स्टार स्क्वायर, 9 यानी 3 का स्क्वायर, 4 यानी 16 यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे भी जो भी हमारे एलिमेंट है वो एक प्रॉपर मैनर में, या फिर बोल लो प्रॉपर पैटर्न में अरेंज है। तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? कि जब भी जो हमारे एलिमेंट्स है वो एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज किए गए हो तो उसे हम बोल देंगे सीक्वेंस। सीक्वेंस यानी क्या? व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर पैटर्न, देन इट इज नोन एज सीक्वेंस। अच्छा, अब सीक्वेंस का मतलब तो आपको समझ में आ गया। सीक्वेंस के बेसिकली दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है फाइनाइट सीक्वेंस। अब इनफाइनाइट सीक्वेंस यानी क्या? जैसे कि कोई एक सीक्वेंस देके रखा है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अगर सीक्वेंस के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हमें पता नहीं, या फिर बोल लो अनंत तक एलिमेंट है, हम गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट एलिमेंट है अगर सीक्वेंस में, तो ऐसे सीक्वेंस को हम बोल देंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, हमें पता नहीं। और ऐसे जो सीक्वेंस है इनफाइनाइट सीक्वेंस, उसमें जो nth एलिमेंट आएगा, लास्ट वाला जो एलिमेंट आएगा, उसे हम ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो nth एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए एन, लास्ट वाला एलिमेंट इनफाइनाइट सीक्वेंस का ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि अगर ये वाले सीक्वेंस की हम बात करें तो इसमें 1 3 5 7 ऐसे करते करते ऑड नंबर आते जाएंगे, तो इसका nth एलिमेंट कौन सा होगा? ऑड नंबर के लिए nth एलिमेंट हमेशा होता है 2n-1, याद रखना, न्यूमेरिकल के लिए काम आएगा। कैसे 2n-1 रखा सर आपने? अगर n की वैल्यू में 1 रखूं यहां पे तो क्या होगा? 2 1 2 2 -1 क्या आ गया? 1 आ गया। n की वैल्यू 2 रखूं तो 2 2 4 -1 यानी 3 आ गया। n की वैल्यू 3 रखूं तो 2 3 6, 6 -1 कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। तो ऑड के लिए कौन सा है ये nth एलिमेंट? 2n-1, लास्ट वाला एलिमेंट 2n-1 है। सो an nth एलिमेंट इनफाइनाइट सीरीज के लिए लास्ट वाला एलिमेंट किसके बराबर है? 2n-1 के बराबर है। उसी तरीके से इसके nth एलिमेंट की बात करें, ये सीक्वेंस के लास्ट टर्म की बात करें, तो कितना होगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ऐसे करते करते बोल देंगे n का स्क्वायर। सो ये n स्क्वायर क्या हो गया? nth एलिमेंट ये सीक्वेंस का, ठीक है, लास्ट टर्म ये सीक्वेंस का। तो लास्ट टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड सीक्वेंस के लिए क्या हो जाएगा? ये लास्ट टर्म एन स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा टाइप है फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस यानी क्या? कोई एक सीक्वेंस देके रखा है,
जिसमें कितने एलिमेंट है वो नोन है, आपको पता है, आपको डिफाइंड है, जैसे कि 10 एलिमेंट है, 50 एलिमेंट है, 100 एलिमेंट है, आपको पता है, फाइनाइट एलिमेंट है। इसका मतलब ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोल देंगे, फाइनाइट सीक्वेंस। क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट, यानी कितने एलिमेंट है वो हमें पता है। इनफाइनाइट यानी क्या, एलिमेंट कितने हैं हमें पता नहीं, अनंत एलिमेंट है, और इसका जो लास्ट एलिमेंट होगा, nth एलिमेंट होगा, उसे an से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब बारी आती है कि जो सीक्वेंस हमें देके रखा है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो यहां पे हम कन्वर्जेंसी बोलो या डाइवर्जेंसी हम चेक करेंगे। अब कैसे चेक करेंगे, उसकी एक प्रॉपर मेथड है, हर एक न्यूमेरिकल में आपको यही मेथड अप्लाई करनी है। जैसे कि आपके पास एक कोई सीक्वेंस देके रखा है, तो सबसे पहले क्या करो, उसका nth एलिमेंट फाइंड करो, nth एलिमेंट फाइंड करो, यानी उसका an फाइंड करो। सबसे पहले क्या करोगे, एक सीक्वेंस देके रखा है, न्यूमेरिकल देके रखा है, उसमें से लास्ट एलिमेंट यानी an की वैल्यू फाइंड करो, nth एलिमेंट फाइंड करो। ठीक है, an वैल्यू फाइंड कर दी, अब an की कुछ वैल्यू आएगी, वो वैल्यू में आप n की वैल्यू कितनी रखोगे, इनफाइनाइट रखोगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। किसके आंसर में, an के आंसर में, लास्ट टर्म जो था आपका ए एन, उसका जो आंसर आया उसमें एन की वैल्यू इनफाइनाइट रखो। अगर इनफाइनाइट रखने पर ए एन का आंसर डिफाइंड वैल्यू में आता है, डिफाइंड यानी क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 1.5, 2.6, यानी मालूम है आपको वैल्यू, अगर डिफाइंड वैल्यू आया तो उसे हम बोल देंगे कि जो हमें सीक्वेंस देके रखा है वो कन्वर्जेंट है। अच्छा, अगर दिए गए सीक्वेंस में से आपने an nth एलिमेंट ढूंढा और उस nth एलिमेंट के आंसर में n का वैल्यू इनफाइनाइट रखा, और an का आंसर अगर अनडिफाइंड आया, अनडिफाइंड यानी माइनस इनफाइनाइट बोल लो, प्लस इनफाइनाइट बोल लो, डिफाइंड नहीं है, तो जो भी हमारा सीक्वेंस देके रखा है वो कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब यही चीज अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल लेके। अच्छा, तो ये सीक्वेंस हमें देके रखी है, क्वेश्चन क्या है, इसकी कन्वर्जेंसी या डाइवर्जेंसी हमें चेक करनी है। तो कैसे चेक करें, सबसे पहले तो इसका nth एलिमेंट ढूंढो, यानी लास्ट एलिमेंट ढूंढो। तो यहां पे an का वैल्यू क्या आ जाएगा, an का वैल्यू an इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ट्राई करते हैं ढूंढने की। अच्छा, ऊपर क्या है, 1, 2, 3, 4 ऐसे है, तो ऊपर n लिख देते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई नीचे क्या है, 2, 3, 4, यानी एक प्लस करना पड़ेगा, सो an प्लस 1 हो गया। अच्छा, कैसे सर ये इक्वेशन लाए, तो कुछ नहीं करना, यहां पे अगर n का वैल्यू 1 रखा आपने तो ऊपर तो 1 आ जाएगा, यहां पे 1 प्लस 1 2, तो 1 हाफ आ गया, n का वैल्यू 2 रखा तो ऊपर 2 आ गया, 2 प्लस 1 यानी बाय 3 आ गया, n का वैल्यू 3 रखा तो ऊपर 3 आ गया, 3 प्लस 1 यानी 4 आ गया, तो ये nth लास्ट में ये वाला हमारा nth एलिमेंट हो गया, an हो गया। अच्छा, ए एन ढूंढ लिया है, अब क्या करें, ए एन का जो आंसर आया उसमें क्या करेंगे, एन का वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, कैसे रखेंगे, सो लिमिट n tends to infinite, किसका an में रखना है, is equals to limit n tends to infinite n divided by n plus 1। अब एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनो, जब भी आप ये सीक्वेंस सीरीज के न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तब जो भी एक्सप्रेशन है इसका ये वाला, उसे हमेशा आपको 1/n या फिर 1/n² के टर्म में कन्वर्ट करना है। वापस एक बार, जो भी आपका फॉर्म है उसे आपको किसमें कन्वर्ट करना है, 1/n या 1/n² में, जिससे करके आंसर आसानी से आपको मिल जाए। तो यहां पे करते हैं कन्वर्ट, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, 1/n में करना है तो ये n तो ऊपर का एज इट इज रहेगा, नीचे से n कॉमन निकाल लेते तो यहां पे कितना रहेगा, 1, और यहां पे n कॉमन निकला है यानी 1/n हो जाएगा, सो n से n कैंसिल, सो लिमिट n tends to infinite 1/1 + 1/n। अब क्या करो, n की जगह इनफाइनाइट रख दो, सो 1/1 + 1/∞, 1/1 + 1/∞ कितना होता है, 0 होता है, तो 1/1 1, यानी ये कैसा वैल्यू मिला आपको, किसका, ये an का, n tends to infinite रखने पर, n tends to infinite रखने पर an का वैल्यू कैसा मिला, डिफाइंड मिला, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया कन्वर्जेंट। ठीक है, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अच्छा, उसी तरीके से एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखे रखी है ये वाली सीरीज सीक्वेंस 1, 4, 9, 16। ठीक है, सब फर्स्ट स्टेप कौन सा है, इसका nth एलिमेंट फाइंड करो, सो an फाइंड करो, an कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट वाला होगा, लास्ट वाला कैसे लिखेंगे, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे n का स्क्वायर आएगा, तो ये हो गया nth एलिमेंट। अब nth एलिमेंट में क्या करना है, जो भी आंसर आया उसमें n tends to infinite रखना है, n का वैल्यू इनफाइनाइट रखना है, तो कर लेते हैं लिमिट a n tends to infinite an is equals to limit n tends to infinite n square,
सो विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट रखो तो इनफाइनाइट का स्क्वायर आएगा, इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। यानी ये जो ए एन का आंसर है, ये जो ए एन का आंसर है एन टेंस टू इनफाइनाइट रखने पर कैसा आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड यानी क्या, ये कौन सी सीरीज सीक्वेंस देके रखा है, ये वाली डाइवर्जेंट सीरीज ये सीक्वेंस देके रखा है। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि सीक्वेंस किसे बोलते हैं, सीक्वेंस की जो डाइवर्जेंसी और कन्वर्जेंसी है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे कि nth टर्म फाइंड करो, nth टर्म में n की वैल्यू इनफाइनाइट रखो, अगर nth टर्म का आंसर डिफाइंड आया तो उसे बोल देंगे कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, अगर nth टर्म का आंसर अनडिफाइंड आया या माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट आया तो उसे हम बोल देंगे ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो अब इसके देख लेते हैं टाइप्स। तो फर्स्ट टाइप है ऑसिलेट सीक्वेंस। अब ऑसिलेट सीक्वेंस यानी क्या, ऐसा सीक्वेंस जिसमें जो भी एलिमेंट्स की वैल्यू है वो वैल्यू ऑसिलेट करती रहे। कैसे, जैसे कि यहां पे एक सीक्वेंस दे रखा है 2 - 2, 2 - 2, यहां पे जो भी एलिमेंट्स है हमारे उसकी वैल्यू प्लस और माइनस पे ऑसिलेट होती रहती है। ठीक है, दूसरा एक ले लिया a इज इक्वल टू 0, 5, 0, 5, यहां पे भी जो हमारे एलिमेंट्स है उसकी वैल्यू 0 और 5 के बीच में ऑसिलेट होती रहती है, जिसे हम ऑसिलेट सीक्वेंस बोल देंगे। अब ऑसिलेट सीक्वेंस के वापस से दो टाइप आते हैं, ऑसिलेट फाइनाइट सीक्वेंस और ऑसिलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब ऑसिलेट फाइनाइट सीक्वेंस यानी क्या, कि जो भी एलिमेंट है सीक्वेंस के उसकी वैल्यू ऑसिलेट तो होती रहेगी पर्टिकुलर वैल्यू पे। ठीक है, तो पर्टिकुलर वैल्यू यानी डिफाइंड वैल्यू पे अगर ऑसिलेट होती है वैल्यू तो उसे बोल देंगे फाइनाइट सीक्वेंस। जैसे कि ये जो सीक्वेंस है इसमें जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू प्लस वन और माइनस वन के बीच में ऑसिलेट होती रहती है, यानी हमें पता है जो वैल्यू ऑसिलेट होती है वो डिफाइंड वैल्यू है। उसी तरीके से यहां पर ये जो सीक्वेंस है इसके एलिमेंट की वैल्यू 0 और 2 के बीच में ऑसिलेट होती रहती है, यानी 0 और 2 के बीच में, यानी हमें डिफाइंड है, पता है, फाइनाइट है, तो इसे हम बोल देंगे फाइनाइट सीक्वेंस। अगर ऑसिलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करें तो तब भी ये हो गया 1 - 1, 2 - 3 ऐसे करके कुछ है। ठीक है, अब यहां पे भी वैल्यू जो है एलिमेंट की ऑसिलेट तो होती रहती है माइनस और प्लस के बीच में, लेकिन अगर आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, यानी कि यहां पे जो सीक्वेंस के एलिमेंट है उसकी वैल्यू इनफाइनाइटली ऑसिलेट होती रहती है, कभी माइनस इनफाइनाइट कभी प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, इसलिए इसे बोल देते हैं ऑसिलेट इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टाइप की बात करें जो कि है मोनोटोनिक सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक सीक्वेंस यानी क्या, अगर कोई आपको सीक्वेंस देके रखा है और वो सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तो ऐसे सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस बोल देंगे। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, यहां पे ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में है इसलिए इसे बोल दिया मोनोटोनिक सीक्वेंस। यहां पे देख ले 1, 1/2, 1/3, 1, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/3 0.33, 1/4 0.25, तो क्या हो रहा है यहां पे वैल्यू कम हो रहा है, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो ऐसे सीक्वेंस को हम मोनोटोनिक सीक्वेंस बोल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। अब बाउंडेड सीक्वेंस यानी क्या, कि ऐसा सीक्वेंस के जिसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों ही हमें पता हो, अपर और लोअर लिमिट दोनों ही फाइनाइट हो और अपर और लोअर लिमिट दोनों ही डिफाइंड हो, बाउंडेड हो, जिसे बाउंडेड सीक्वेंस बोल देंगे। जैसे कि यहां पे क्या है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 करते करते 1/100, 1/1000 करते करते 1/∞, 1/∞ का वैल्यू कितना होगा 0 होगा। यानी कि यहां पे अपर लिमिट 1 है जो हमें पता है, लोअर लिमिट 0 है जो हमें डिफाइंड है, यानी अपर और लोअर लिमिट दोनों बाउंडेड है, पता है, नोन है, इसलिए ऐसे जो सीक्वेंस है उसे हम क्या बोल देंगे बाउंडेड सीक्वेंस। और इसकी रेंज 0, 1 से रिप्रेजेंट की जाती है। अब बाउंडेड सीक्वेंस के वापस से दो टाइप है, पहला है बाउंडेड लोअर सीक्वेंस। अब बाउंडेड लोअर सीक्वेंस यानी क्या, कोई एक सीक्वेंस आपको देके रखा है उसकी अगर लोअर लिमिट आपको पता है, लोअर लिमिट डिफाइंड है, तो उसे बोल देंगे बाउंडेड लोअर सीक्वेंस। जैसे कि यहां पे लिख के रखा है 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो ये कौन सा हो गया हमारा हायर लिमिट हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा लोअर लिमिट हो गया। यहां पे लोअर लिमिट डिफाइंड है, हाँ डिफाइंड है हमें पता है, हायर लिमिट पता नहीं इनफाइनाइट है, लोअर लिमिट बाउंडेड है पता है, इसलिए हम इसे बोल देंगे बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, नेक्स्ट है बाउंडेड अबव सीक्वेंस। बाउंडेड अबव सीक्वेंस यानी क्या, अबव जो अपर जो लिमिट है वो बाउंडेड है, वो नोन है।
ठीक है, कैसे, जैसे कि माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे करते करते कहां जाएगा, ये माइनस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ये माइनस वन है उससे छोटा माइनस टू, उससे छोटा माइनस थ्री, छोटा 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 छोटा, यानी ये हो गया लोअर लिमिट हो गया, ये हो गया अपर लिमिट हो गया। ठीक है, यहां पे अपर लिमिट डिफाइंड है, हाँ अपर लिमिट डिफाइंड है, माइनस वन है इसका वैल्यू हमें पता है, लोअर लिमिट का वैल्यू हमें पता नहीं है। यानी यहां पे ये जो सीक्वेंस है उसकी अपर लिमिट नोन है, अपर लिमिट बाउंडेड है, इसलिए हम बोल देंगे बाउंडेड अबाव सीक्वेंस। अच्छा नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, हार्मोनिक सीक्वेंस। अब हार्मोनिक सीक्वेंस यानी क्या, तो सबसे पहले आप एक अरिथमेटिक सीक्वेंस ले लो, तो यहां पर लिखे रखा है अरिथमेटिक सीक्वेंस 5, 10, 15, 20। अरिथमेटिक सीक्वेंस यानी क्या, कुछ डिफरेंस कंटिन्यूस डिफरेंस होना चाहिए। आप इसकी जगह यहां पे कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, आप 3 के डिफरेंस पे भी ले सकते हो, 2 के डिफरेंस पे भी ले सकते हो, 10 के डिफरेंस पे भी ले सकते हो। ठीक है, तो ऐसी जो सीक्वेंस है जिसमें कुछ डिफरेंस हो, कॉन्स्टेंट डिफरेंस हो, उसे हम बोल देंगे अरिथमेटिक सीक्वेंस। आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अब अरिथमेटिक सीक्वेंस का क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो। उल्टा यानी क्या, ये 5 है तो 1/5, 10 है तो 1/10, 1/15, 1/20, तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोल देंगे, हार्मोनिक सीक्वेंस बोल देंगे, यानी अरिथमेटिक सीक्वेंस का रेसिप्रोकल हार्मोनिक सीक्वेंस कहलाया जाता है। लास्ट टाइप देख लेते हैं, टेलीस्कोपिक सीक्वेंस। अब टेलीस्कोपिक सीक्वेंस यानी क्या, ऐसा सीक्वेंस जिसका फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म प्रेजेंट रहेगा और बीच के जो एलिमेंट है वो सारे कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ये तो इंट्रोडक्टरी वीडियो है, इसलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब सीरीज की बात करते हैं, अब तक हमने सीक्वेंस की बात करी, अब हम ये देखेंगे कि सीरीज किसे बोला जाता है। तो सीरीज की बात स्टार्ट करते हैं, तो सीक्वेंस में हमने क्या किया था, उसे ए से डिनोट किया था। ठीक है, और ये सारे क्या थे, उसमें एलिमेंट्स थे। ठीक है, अब ये जो हमारा सीक्वेंस है उसे अगर सीरीज में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना, जो भी एलिमेंट्स है सीक्वेंस के उसे सिर्फ प्लस करना है, उसे सिर्फ एडिशन उसका करना है। ठीक है, और जो भी हमारी सीरीज होगी उसको हम एस से डिनोट करेंगे। एस क्या हो जाएगा हमारा, a1+, a2+, a3+, a4+, an। ठीक है, तो एक ही डिफरेंस है सीक्वेंस और सीरीज के बीच में, कौन सा, कि सीक्वेंस के अंदर बहुत सारे जो एलिमेंट है वो प्रॉपर पैटर्न में अरेंज किए गए होते हैं और सीरीज के अंदर जो भी एलिमेंट्स है उसका एडिशन किया जाता है, जिसे हम सीरीज बोल देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको सीरीज फाइंड करनी है तो आप क्या करोगे, आप समेशन कर दोगे, एडिशन कर दोगे, किसका, आप कर दोगे सीक्वेंस का। ठीक है, अच्छा, और अच्छे से अगर इक्वेशन लिखना है तो अगर आपको सीरीज चाहिए तो आप क्या करोगे, समेशन करोगे nth टर्म का, लास्ट वाली टर्म का, जो भी सीक्वेंस देके रखा है उसकी लास्ट वाली टर्म का साथ समेशन कर दोगे। कैसे, n = 1 टू इनफाइनाइट, कैसे, जैसे कि n = 1 रखो तो ये क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस समेशन यानी प्लस, n = 2 रखो तो a2 हो जाएगा, समेशन यानी प्लस, n = 3 रखो तो a3 हो जाएगा। ठीक है, अप टू an। ठीक है, तो सिंपली आपको क्या याद रखना है, जो भी आपको सीक्वेंस देके रखा है उसका एडिशन कर दो तो वो सीरीज बन जाएगा, और ये वाला इक्वेशन याद रखना है, अगर आपको सीरीज चाहिए तो जो nth टर्म है, लास्ट वाली टर्म है, उसका समेशन ले लो तो आपको मिल जाएगा। तो ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लेते तो और अच्छे से क्लियर होगा पिक्चर। जैसे कि एक सीक्वेंस देके रखी है 1, 4, 9, 16 अप टू एन स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एन का स्क्वायर। अब ये जो हमारी सीक्वेंस है उसे सीरीज में कैसे कन्वर्ट करें, तो प्लस कर दो, जो भी एलिमेंट है प्लस कर दो, यहां 1+4+9+16 अप टू एन स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब इसका इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो आपका जो सीरीज बन रहा है वो किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, और nth टर्म ले लो, nth टर्म कौन सा है, ये वाला एन स्क्वायर, सो एन स्क्वायर ले लिया। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूव करेंगे कि यही इक्वेशन करेक्ट है, तो वापस से क्या करेंगे, n की जगह यहां पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 आ गया, समेशन है यानी प्लस कर दो। ठीक है, n की जगह 2 रखो तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, समेशन है तो प्लस रखो, 3 रखो, 9, ऐसे करते करते कहां तक जाना है, एन स्क्वायर तक जाना है। ठीक है, अब जो भी सीक्वेंस हमने पढ़े, जितने टाइप के सीक्वेंस हमने पढ़े वो ही टाइप की सीरीज होगी। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ जहां पे कॉमा किया था वहां पे आपको प्लस करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमने ये जो सीक्वेंस है उस कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है जो टेस्ट किया था, ऐसे ही सीरीज का भी टेस्ट होगा। कैसे, तो सीक्वेंस के केस में क्या किया था हमने, nth टर्म फाइंड करी थी, तो यहां पे भी
सीरीज की nth टर्म यानी Sn आपको फाइंड करना पड़ेगा। बाद में हमने क्या बोला था, जो सीक्वेंस की nth टर्म है उसमें n की वैल्यू हम कितनी रखते थे, इनफाइनाइट रखते थे, तो यहाँ पे सीरीज की जो nth टर्म है वहां पे हमें इनफाइनाइट रखना है। ठीक है, अगर इनफाइनाइट रखने पर आपका आंसर डिफाइंड आया, डिफाइंड यानी 1, 2, 3, 4, 1.5 कुछ डिफाइंड वैल्यू, नोन वैल्यू आई, तो बोल देंगे कि जो भी सीरीज देके रखी है हमें वो कन्वर्जेंट है। अगर n की वैल्यू इनफाइनाइट रखी nth टर्म में सीरीज की, और अगर अनडिफाइंड वैल्यू मिली माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट, तो क्या बोल देंगे, जो भी सीरीज देके रखा है वो डाइवर्जेंट है। अब यही चीज को अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लिया यहां पे मैंने, हमारी सीरीज कौन सी है, 1 + 3 + 4, ये पूरा सो ऑन, ये कहां तक जाएगी, ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए कौन सी nth टर्म मैंने बोली थी, मैंने बोली थी अगर याद हो तो शुरुआत में 2n - 1। ठीक है, तो 2n - 1 कैसे लिखा सर आपने, तो मैंने ऐसे लिखा 2n - 1 कि यहां पे अगर n की जगह 1 लिखेंगे तो क्या होगा, 2 1 = 2, 1 2 - 1 1 आ गया। ठीक है, 2 रखो 2 2 = 4 - 1 3 2 3 रखो 2 3 = 6 - 1 5। ठीक है, अच्छा तो इसका nth टर्म तो मिल गया है, तो nth टर्म क्या है हमारा, nth टर्म है Sn, जो किसके बराबर है, 2n - 1 के बराबर है। ठीक है, nth टर्म मिल गया, आप क्या करो n की जगह इन्फाइनाइट रखो, तो यहां पे लिखते हैं लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, nth टर्म में रखेंगे, सो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा 2n - 1, n की जगह इंफिनिटी रखो, n की जगह इंफिनिटी -1, सो 2 से इंफिनिटी, सो इंफिनिटी हो जाएगा -1, इंफिनिटी में से एक माइनस कर रहे हैं तो इंफिनिटी ही रहेगा। इसका मतलब ये जो हमारा Sn का वैल्यू आया ये कैसा आया, अनडिफाइंड आया, इसका मतलब ये जो सीरीज है वो कैसी है, वो डाइवर्जेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, सो टिल देन रीड हार्ड वर्क हार्ड, थैंक यू वेरी मच।